गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हमने अष्टांग हृदय संहिता सूत्र स्थान का छठा अध्याय अन्न स्वरूप विज्ञानी अध्याय, उसके बारे में हम विस्तार से अभी वाग्भटाचार्य जी को देख रहे हैं। और उसमें कल हमने विशेषतः शिंबिधान्य वर्ग और कृतान्न वर्ग, इन दो वर्गों की चर्चा की थी। थोड़ा टेक्निकली मैं आपको उस लेक्चर में समझा पाया तो चित्र जो है वो आपके रिकॉर्डिंग में नहीं आए हैं, तो उसको आज थोड़ा सा रिकैप कर लेता हूं। तो शिंबिधान्य वर्ग में जो आप अभी सामने देख रहे हैं वो है मुद्ग, फिर ये अरहर या जिसे आड़की, ऐसा शब्द प्रयोग हमें ग्रंथकार करते हुए दिखाई देते हैं, आड़की यानी तूर दाल जिसे हम कहते हैं, उसको हमने उसमें समझना चाहिए। तो मुद्ग है, फिर आड़की हमने देखा, उसके बाद मसूर है। तो ग्रंथकार मुद्ग आड़की मसूर आदि शिंबिधान्यम ऐसा वर्णन करते हैं। उसके बाद में राजमाश करके एक शब्द आता है, तो चौली या मराठी में जिसे चौली कहते हैं, तो ये आपके सामने है। तो इसके जो गुणधर्म है, राजमाश से कुछ लोग ब्लैक ग्राम यानी बड़ा साइज का उड़द ऐसा अर्थ लेते हैं, लेकिन गुणधर्म लेखे आप तो पुरुष वृद्धि कर, ऐसे मुख्यतः गुणधर्म चौली के भी दिखते हैं, इसलिए राजमाश करके मैंने ये द्रव्य आपके सामने रखा है। फिर कुलत्थ, कुलत्थ जो है उसको हॉर्स ग्राम भी कहते हैं, और विशेषता मूत्राश्मरी में प्रयुक्त किया जाने वाला ये शिंबिधान्य है। उसके बाद में फ्लैट बीन्स के लिए हमने देखा निष्पाव, ऐसा शब्द प्रयोग हमें वाग्भटाचार्य जी करते हुए दिखाई देते हैं, और जिसे सेम भी हिंदी में कहते हैं। तो फ्लैट बीन्स या फिर अपने मराठी में इसको पावटा कहते हैं, ये बीन्स जो है इस पद्धति से उसके फ्लैट ऐसे उसके बीन फली रहती है, हिंदी में फली बोलते हैं, मराठी में शेंग, और फिर इस पद्धति से उसके दाने भी अंदर से दिखते हैं। तो ये है सेम या फिर निष्पाव। तो ये आ गया उसका बीजों का स्वरूप, तो ये भी निष्पाव या पावटा मराठी में कहते हैं वही है, उसको आगे देखेंगे। फिर एक आ गया माश, तो माश जो है वो स्निग्ध शुक्रवर्धक होता है वगैरह, ये हमने कल देख चुके हैं। आगे जाते हैं, फिर आता है केवाच बीज या आत्मगुप्ता। तो आत्मगुप्ता, और फिर वहां पे एक शब्द हमें मिलता है काकांडोला। तो काकांडोला तो मैं नहीं देखता या नहीं देखा है आज तक, लेकिन आत्मगुप्ता या केवाच बीज, मराठी में कवच बीज कहते हैं उसको, श्रेष्ठ शुक्रवर्धक ऐसी है शिंबिधान्य का ये वर्ग, यहाँ पे है आहरी या औषध के तौर पर आप इसको देख सकते हैं। बाद में ये एक वही आत्मगुप्ता या कवच बीज, उसकी फली और उसके बीज आप देख रहे हो सामने, इसको बाद में उसके एक द्रव्य आया है तो उसको भी देखेंगे। तो ये कल आपको रिकैप करते हुए, ये मैंने रिकॉर्डिंग बाद में जब देखा तो मुझे पता चला कि ये सारे चित्र मैंने समझाया आपको लेकिन उसमें नहीं है। तो ये है सिसे या तिल, तो तिल का पौधा है, तिल की फलियां ऐसी होती है और फिर तिल के ये बीज है। तो बहुत सारे जो ग्रामीण भाग से रूरल एरिया से स्टूडेंट आते हैं उनको पता होगा, लेकिन मैं फिर एक बार व्याख्यान के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। फिर ये अतसी है, ठीक है, अतसी या फिर अलसी ऐसे भी कहते हैं इसको, और अतसी और कुसुम्भ यानी मराठी में करडई कहते हैं हम, उसके गुणधर्म इकट्ठा बताए ग्रंथकार वाग्भट जी ने। तो ये अतसी का पौधा है आपके सामने। फिर है ये कुसुम्भ, ये कुसुम्भ बीज है, देखिए जिसे हम मराठी में करडई कहते हैं। तो ये एक ऑयल जिसका एडिबल ऑयल भी हम इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे खाने की चीजों में, तो ये है कुसुम्भ, ये कुसुम्भ का पौधा है। तो कांटेदार पौधा होता है और फ्लावर जो है बहुत ही अट्रैक्टिव ऐसे कलर के उसके रहते हैं। कुसुम्भ के बाद
यहाँ पे द्रव्य है यव, तो यव जो है वो तुष के साथ है। फिर आगे जाते हैं, कृतान्न वर्ग यहां से चालू होता है और कृतान्न वर्ग में मंड सबसे पहले आता है। कृतान्न यानी प्रोसेस्ड फूड, ठीक है। तो प्रोसेस्ड फूड के कुछ एग्जांपल्स वाग्भटाचार्य जी जो स्वास्थ्य रक्षण एवं व्याधि के लिए भी, व्याधि चिकित्सा के लिए भी, पंचकर्म के शोधन कर्म के बाद, पंचकर्म के बाद शोधन कर्म के बाद जो संसर्जन क्रम यानी विशिष्ट आहार की योजना, लघु आहार से गुरु आहार तक जाना, ये जो बताई है, तो उसमें विशेषतः आपको ये मंड पेया विलेपी ओदन ये चार प्रकार दिखेंगे और यूष भी उसी में आता है। तो ये है मंड। मंड क्या है? तो चौगुना पानी चावल के से चौगुना पानी डाल के इकट्ठा उसको अच्छे से पका के फिर उसका जो केवल द्रव भाग छान के लेना है उसको मंड कहते हैं। बाद में है पेया, तो पातुम योग्या पेया। तो ये सिक्त के साथ यानी चावल को अच्छे से पकाया है और फिर वो चावल के दाने के साथ खाया जाता है। खाया जाना शब्द योग्य नहीं होगा, पिया जाता है, तो वही ये पेया है। तो मंड, उसके बाद में पेया, फिर यह है विलेपी। विलेपी क्या है? लापसी जैसा, या आप इसको खीर जैसा कह सकते हैं, यूनिफॉर्म मिक्सचर उसका बनाया जाता है, वो पेया से थोड़ा गाढ़ा होगा, ये हो गई पेया। पेया सॉरी विलेपी। विलेपी के बाद ओदन। लेकिन ओदन की जो प्रक्रिया बताई है उसमें विशेषतः चावल जो दाने हैं रॉ चावल, तो उसको पहले धोना है, फिर उसको भ्रष्ट करना है और फिर उसको पका के फिर उसमें से मांड निकाल देना है, द्रव पदार्थ निकाल देना है और उसको फिर वो जो बचेगा उसको ओदन कहा है। ओदन के बाद ये आपके सामने मांस रस है। तो इसमें मांस खंड टुकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं लेकिन इसमें नहीं होने चाहिए। तो ये है मांस रस। तो थोड़ा आगे ले जाते हैं क्योंकि हमें आगे के जो वर्ग है आज वो भी देखने हैं, विशेषतः मांस वर्ग, उसकी विस्तार से आज चर्चा करनी है। ये है मुद्गयूष आपके सामने। तो मुद्गयूष जो है वो सर्वश्रेष्ठ शिंबिधान्य में मुद्गा आता है, तो ये बहुत सारे विकारों में, हार्ट डिसीज में भी काम में आता है। तो उसके बाद है ये कुलत्थ, कुल्थी का जूस, ठीक है। तो ये भी हॉर्स ग्रैन सूप है आपके सामने। फिर ये निषिद्ध पदार्थों में पिन्याक यानी तिल पिन्याक, यानी जब इसमें से तिल के बीज से तेल निकाल दिया जाता है तो बाद में वो जो केक बचता है उसकी सामग्री बचती है रेसिड्यू, उसको पिन्याक कहते हैं, तिल पिन्याक। तो यह है वो निषिद्ध पदार्थों में उससे बने हुए पदार्थ नहीं खाने चाहिए। तो नहीं खाने जैसे जो चीजें बताई है उसमें वो तिल पिन्याक है। और उसके बाद में आपके सामने ये हरा दिख रहा है, ये इसके चने का पौधा है, लेकिन उसको सुखा कर इसके पत्तों को सब्जी जैसा यूज किया जाता है आज भी कुछ रूरल एरियाज में। तो ये है बताया है। और फिर और एक दो तीन यानी जो लीफी वेजिटेबल्स है उनको सुखा के इस्तेमाल नहीं करना है, उसमें ये उदाहरण आपको मिलते हैं। चनक भी मिलता है उसमें सुखाकर खाने के पदार्थों में, और विशेषतः सरसों, सरसों के पत्ते भी जो है वो सुखाकर खाने में सब्जी जैसा इस्तेमाल किया जाता है। तो इनको वैसे इस्तेमाल नहीं करना है और वो निषिद्ध बताए। उसके बाद में ये जो आज बहुत फेमस ऐसा फूड आर प्रिपरेशंस, कृतान वर्ग हम देख रहे हैं, तो विरूढ़ धान्य इस्तेमाल किया जाता है जिसमें चना होता है, मोठ होता है या फिर कलाय होता है, तो इन सभी को फिर भिगो के उसको बांध के वस्त्र में उसको अंकुर लाए जाते हैं, इसे विरूढ़ धान्य आयुर्वेद में कहते हैं और वो भी निषिद्ध पदार्थों में बताया है। उसके बाद में ये आपके सामने शांडाकी है। तो शांडाकी क्या है? तो राइस, जो बचा हुआ कुक राइस है, उस राइस को विशेषतः बॉल बनाए जाते हैं, उसको सुखाए जाते हैं और फिर तल के उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी निषिद्ध या वर्जनीय पदार्थों में, कृतान वर्गों में बताया है। और दृष्टिनाशक, वात इत्यादि दोष यानी त्रिदोष प्रकोपक और ग्लानि कारक तथा पचने में गुरु, ऐसे ये पदार्थ होने की वजह से तिल पिन्याक, वो शुष्क शाक लीफी वेजिटेबल्स, ड्राई लीफी वेजिटेबल्स, फिर उसके बाद में हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले विरूढ़ धान्य और ये शांडाकी, ये सभी निषिद्ध है।
उसके बाद में सबसे प्रिय और मधुर ऐसा व्यंजन कृतान वर्ग में आता है, वो है रसाला, जिसे हम श्रीखंड कहते हैं, उसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे, कल हमने देखा है। फिर उसके बाद में पानक आता है, फ्रूट जूस। फिर आता है ड्राई पैडी, ओके, जिसे लाजा कहते हैं, तो ये भी कृतान वर्ग में है। फिर पृथुका, ठीक है, पृथुका यानी मराठी में हम उसको पोहे कहते हैं, तो ये आता है पोहा। फिर है ये बार्ली से बनाई हुई जो उसको भिगो के फिर ड्राई उसको फ्राई करके बनाई हुई चीज है, ये निषिद्ध बताई है, ठीक है, ऐसे इस पद्धति से, क्योंकि उसमें पोषक तत्व बिल्कुल ही नहीं होते। फिर उसके बाद में आता है सत्तू, तो सत्तू जो बनता है विशेषता चना है या फिर कॉर्न है, गेहूं है, उसके फ्लोर से बनता है, कुछ शुगर भी उसमें डलती है, तो वो इसे कैसे खाना चाहिए, किस प्रकार योग्य पद्धति है उसके खाने की, उसकी चर्चा आती है। फिर बाद में ये तिल पिन्याखी है यानी सीसेम केक। फिर उसका जो और कुछ चीजें जो बाद में बताई है उसमें नहीं खाने चाहिए, उसमें तिल पिन्याक का भी वर्णन है। फिर ये वेसवार है, वेसवार का यथार्थ चित्र मुझे नहीं मिला, तो वेसवार क्या है, मीट को या फिर चिकन जो भी माउस है उसको पका के उसको अच्छे से कूट के उसका व्यंजन बनाया जाता है, उसमें कुछ ये भी डाली जाती है, क्या कहते हैं उसको, सूंठ मरीच ऐसे उसको टेस्ट लाने के लिए। फिर आता है अपूप, यहाँ पे हमने कल समाप्त किया था। तो अपूप क्या है, तो अपूप है जो भी है, गेहूं है, ज्वार है या फिर कॉर्न है, उससे बना हुआ फ्लोर से जो रोटियां अच्छे से उसको सेकी जाती है और फिर वो पचने के लिए लघु हो जाती है, उसको अपूप ऐसा बताया है। फिर कृतान वर्ग के बाद में शुरू होता है, वह होता है विशेषतः मांस वर्ग, और मांस वर्ग को हम अभी इसके आगे देखेंगे विस्तार से, ठीक है। तो चलिए मांस वर्ग की तरफ जाते हैं, और यहाँ पे ग्रंथकारों के शब्दों में हमने देखने का प्रयास करना है। आज मैंने चित्र भी जो है वो आपको एक साथ देख सकते हैं ऐसा एडजस्ट किया है, और फिर आसानी आएगी समझने में। तो मांस वर्ग यानी ग्रुप ऑफ मीट्स है, और उसमें विशेषतः शुरुआत जो करते हैं वो उन प्राणियों के नामों के ग्रंथकार करते हैं। तो आचार्य वाग्भट हमें बताते हैं विशेषतः हरिण, एण, कुरंग, गोकर्ण, मृग मातृका, शश, शंबर, ये जो है चारुष्क, ये सभी उन्होंने मांस वर्ग में ये प्राणी सब बता दी। देखिए इन सभी को मृग कहा है, तो मृग वर्ग के ये प्राणी हैं, और जैसे जिसे हम आसान भाषा में डियर कहते हैं, तो डियर जो है तो इसमें आ जाते। तो हरिन जो है उसको अभी मैं जिसे एंटेलोप या फॉन कहेंगे, तो वो आपके सामने है, ये हरिन है, ठीक है। उसके बाद में कुरंग, तो कुरंग इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डियर, तो ये भी आपके सामने मैंने खोज के रखने का प्रयास किया है। तो उसके बाद में आता है अर्क्ष यानी व्हाइट फूटेड एंटेलोप, तो अर्क्ष जो है वो इस पद्धति से दिखता है, तो उसके फुट जो रहते हैं, पैर जो रहते हैं वो व्हाइट कलर के रहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में है ये जो सभी चीजें आप देख रहे हैं गोकर्ण, तो ये समझाने का आपके सामने प्रयास है, ये है गोकर्ण, ठीक है। गोकर्ण के बाद आता है मृग मातृक, दैट इज रेड कलर डियर, ओके। सो मृग मातृक के बाद ये मृग मातृक है, मृग मातृक के बाद आता है शश, तो शश आप सभी जानते हो रैबिट, ठीक है, रैबिट को शश कहा है। फिर उसके बाद में है शंबर, तो शंबर क्या है, तो डियर विथ ब्रांच्ड हॉर्न्स, तो ये मेल डियर है और फीमेल डियर, ओके, सो मेल डियर विथ ब्रांच्ड हॉर्न्स को यहाँ पे आप देख रहे हैं। उसके बाद में उसको शंबर कहा है। चारुष्क, चारुष्क क्या है, तो ये है गैजल, गैजल इस पद्धति से दिखता है, जो आपके सामने चित्र है वह इस पद्धति से गैजल दिखता है, ठीक है। तो उसके बाद में कश्मीर में पाने वाला, अभी यहां से
पक्षी शुरू हो जाते हैं, या विषकीर जिसे हम कहते हैं, विषकीर वर्ग, तो मृग वर्ग यहाँ खत्म होता है। तो वर्ग, मृग वर्ग में लास्ट में जो शरभ बताया है तो वह है विशेषता, हाँ, ऐसा मृग है जो उसका वर्णन अगर दिखे तो वह कश्मीर प्रांत में मिलता है, और विशेषता वो 8 पैर वाला यानी 8 पैर वाला होता है। तो मैंने काफी इसको खोजने की कोशिश की इंटरनेट के ऊपर भी, मुझे वैसा नहीं मिला है, लेकिन कोई बात नहीं, तो इसको इसी पद्धति से हम देखते हैं। तो अष्टांग संग्रह में जो है मृगों की गणना कुछ इस प्रकार से आती है, ये हम अष्टांग हृदय का वर्णन अभी देख चुके हैं। अष्टांग संग्रह में हरिण, एन, कुरंग, ऋष, गोकर्ण यानी नील गाय जिसे हम कहते हैं, मृग मातृका, कालपुच्छक, चारुष्क, वरपोत, शशक, उरण, स्वदंष्ट्र, राम, शरभ, तो इस पद्धति से लोहकारक, सांबर, कस्तूरी मृग या कराल नाम से कस्तूरी मृग आया है वहां पे, ऐसे वहां पे कुछ और हमें मृग वर्ग के प्राणी जो है वो दिखते हैं। आगे जाते हैं, आगे है विषकीर वर्ग। विषकीर क्या है, जिसे हम पक्षी कह सकते हैं, वो ग्रुप ऑफ बर्ड्स विषकीर वर्ग से नाम, वर्ग के नाम से आता है। लाव, वार्तिक, वर्तीर, रक्तवर्तमक, कुकुंभ इत्यादि। तो लाव जो है वो है जिसे हम लवा कहते हैं या लावा भी कहते हैं, वो है आपके सामने, तो है ये है लाव, ठीक है। तो अंग्रेजी में इसको बस्टर्ड क्वेल कहते हैं, ओके। आगे जाते हैं, वो है वार्तिक या जिसे बुश क्वेल भी कहते हैं, तो ये आपके सामने है बुश क्वेल, ठीक है। तो बुश क्वेल इस पद्धति से दिखता है, जिसे हम मराठी में बटेर भी कहते हैं, हिंदी में भी बटेर ही कहते हैं। उसके बाद आता है रक्तवर्तमक। तो रक्तवर्तमक जो है वो रेड आईड ऑल है। तो बहुत सारे पुस्तकों में हमें ये बटेर ही है, ये है आउल, रेड आईड आउल। आप बोलेंगे कि ये कौन खाता है, अब देखिए हम नहीं खाते, मतलब कोई और वो नहीं खाता चीज, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद में है कुकुंभ यानी वाइल्ड कॉक जिसे कहते हैं, वो आता है कुकुंभ। तो कुकुंभ इस पद्धति से दिखता है, ओके। और भी इसके कुछ चित्र मिल सकते हैं, लेकिन मैंने जो आसानी से आपको समझ में आया ऐसे लेने का प्रयास किया है। उसके बाद में है कपिंजल। तो कपिंजल जो है वो जिसको ब्लैक पार्टिज कहते हैं, ऐसा है, ठीक है। ये भी वाइल्ड कॉक ही है, ब्लैक पार्टिज मैं आपको दिखाता हूँ, वो ये है जिसको कपिंजल कहा है, ब्लैक पार्टिज, ओके। उसके बाद में है उपचक्र। तो उपचक्र स्मॉल ग्रीक प्रेजेंट है, ये है वो, ठीक है। तो स्मॉल ग्रीक प्रेजेंट। उसके बाद में उपचक्र को चकवा भी कहते हैं हिंदी में। उसके बाद में आता है चकोर। तो चकोर जो है वो मराठी में तो बहुत फेमस उसकी कथा है कि वो केवल और केवल जो है वो वर्षा की ही बूंदे आकाश, यानी बूंदे जब टपकती है तो वो आकाश में ही उसको पकड़ देता है और वही पानी वो पीता है। तो मेरे को पता नहीं ये कितना तथ्य है उसमें। तो चकोर है ग्रीक फेजेंट, तो उसको देखेंगे, तो ये है चकोर, ओके। तो ये लगभग सभी ये जो पक्षी है कुछ आपको सिमिलर दिख रहे हैं, मुझे भी वैसे ही जान पड़ते हैं, लेकिन इसमें भेद है, अगर आप उसको और अच्छा देखे तो आपको इजीली समझ में आता है। उसके बाद में ये आता है बहुत ही टाइनी ऐसा ये बर्ड है, और इसको कुरुबाहु। तो कुरुबाहु जो है वो मेरे को नहीं मिला, उसका अर्थ भी अंग्रेजी में नहीं मिला। वार्ताक जो है उसको बटन क्वेल कहते हैं, वो आपके सामने है, ये है बटन क्वेल, बिल्कुल बटन के आकार का यानी गोलाकार
ऐसे उसकी बॉडी रहती है, पूंछ बिल्कुल नहीं रहती उसको, इसलिए उसको बटन कोयल कहा जाता है। उसके बाद में है वार्ताक के बाद में वर्तिका या वार्तिक, जिसे बुश कोयल कहते हैं। बुश कोयल देखिए एक बार, यह है बुश कोयल, ओके। उसके बाद में है तितिर या ग्रे पार्टी। तो ग्रे पार्टी जो है वो भिन्न भिन्न आकार में आपको दिखाई देते हैं। ये है ग्रे पार्टीज, एक्चुअली ये क्रकर या सॉरी वर्तिक नहीं है। तो वर्तिक शब्द से आपने अर्थ लेना है ये बटन क्विल हुआ, ये है तीतर। उसके बाद में है ये आप सामने देख रहे हैं क्रकर यानी ब्लैक पार्टरीज, तो ये क्रकर है। जो वाग्भटाचार्य जिसको क्रकर कहते हैं वो है ये ब्लैक पार्टरीज। उसके बाद में मोर है, मोर तो आप सभी उसको जानते हो। पीकॉक, तो सिखी ऐसा शब्द आया है उसके लिए, या शिखी यानी उसको इस पे सर के ऊपर तुरा रहता है बहुत अट्रैक्टिव, तो ये है मोर आपके सामने। फिर उसके बाद में एक और पक्षी आपको सामने दिखाई देगा, उसको कहते हैं ताम्रचूड। ये भी प्रसिद्ध है, आप सभी इसको जानते हो। डोमेस्टिक कॉक जो होता है उसे ताम्रचूड कहते हैं, मुर्गा। उसके बाद में बकर, तो बकर जो है वो स्मॉल क्रेन, ठीक है। तो बकर का चित्र में आपको ये सामने है आपके। उसके बाद में है गोनर्द, तो गोनर्द जो है वो साइबेरियन क्रेन को गोनर्द कहा है, ये देखिए ये साइबेरियन क्रेन है। उसके बाद में है गिरिवर्तिका, तो ये माउंटेन क्विल है गिरिवर्तिका, गिरि शब्द से माउंटेन और क्विल, तो बिल्कुल ग्रे कलर का ये रहता है, तो ये गिरिवर्तिका या माउंटेन क्विल है। उसके बाद में आता है ये थोड़ी स्पैरो, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की आती है। इसके बाद में शारपद, तो वो काइंड ऑफ स्पैरो है, तो एक स्पैरो लेने का मैंने प्रयास किया है। ये मैं नहीं कहूंगा कि ये शारपद ही है, ठीक है, तो स्पैरो है, ओके। ये समझने के लिए मैं दिखा रहा हूं इंद्राब। इसके बाद वो इंद्राब क्या है, तो ये हेज स्पैरो है, तो एक अन्य प्रकार की ये चिड़िया है, हेज स्पैरो जिसे कहते हैं, तो ये हो गई इंद्राब। उसके बाद में वरट नामक पक्षी आता है, तो वरट क्या है, वरट इसका अर्थ हो जाता है गूस, तो वरट इस पद्धति से होते हैं और वो दिखते भी ऐसे ही है। विष्किर इस शब्द का ही अर्थ ऐसा होता है कि मुर्गियां भी इसमें आती है, क्योंकि द बर्ड्स विच स्क्रैच द ग्राउंड विद देयर लेग्स एंड पिक अप और कलेक्ट देयर फूड, ओके, उसे विष्किर कहते हैं। तो विष्किर वर्ग के ये भिन्न भिन्न पक्षी हैं, इनको अभी हमने देखा, ओके। तो इसके बाद में प्रतुद पक्षी भिन्न भिन्न आते हैं। तो प्रतुद जो है, ये प्रतुद विशेषता इस शब्द का अर्थ होता है कि द बर्ड्स विच पिक द फूड एंड इट, मीन्स वो खरोचते नहीं जमीन को अपने पैरों से, तो उनको प्रतुद कहा। और वह कौन कौन से हैं, तो जीव, जीवक, ओके, तो जीवन जीवक, दात्यो, भृंग या भृंगराज, शुक, सारीवा, लटुआ, कोयल, हारित, कपोत और चटक, तो ये पक्षी प्रतुद कहे हैं। तो यानी वो अपने पैरों से खुरेचेंगे नहीं जमीन को या वो पदार्थ को, और फिर उसमें से खाएंगे नहीं, तो डायरेक्टली वो पिकअप करते हैं ग्रेन्स को या जो भी कीटक है उसको। उसके बाद में आता है इनमें से ग्रीक पार्ट्रिज या गैलिनुल या श्राइक या फिर पार्किट या फिर इन सभी वाइल्ड स्पैरो, ये
आप ककू को आप अच्छे से जानते हो, कपोत जानते हो, वुड पीजन, तो हाउस स्पैरो आप जानते हो, चटक कहाँ है, तो वो चटक का माउस जो है वो श्रेष्ठ शुक्रवर्धक कहाँ है। आगे जाते हैं, यहाँ सिर्फ गणना या वर्ग दिए हैं, इस ग्रुप में कौन कौन से आते हैं। तो ये माउस वर्ग है, ये सभी प्राणी पक्षी जो है उसका माउस आहार के तौर पे या औषध के तौर पे सेवन किया जाता है आज भी। उसके बाद में बीलेशय, तो बीलेशय का अर्थ होता है लिविंग इन द ब्यूरोस, तो बिल में वो या छिद्र में वो रहते हैं, उसे बीलेशय कहते हैं। और उसमें भेक, गोह, सर्प, साही यानी फ्रॉग, लिजार्ड, स्नेक, इस पद्धति के प्राणी ये बीलेशय वर्ग में आते हैं। उसके बाद में है प्रसह, तो प्रसह जो है वो विशेषता है अपने दांतों में इनको भक्ष को पकड़ते हैं, अपने आहार को पकड़ते हैं और फिर वो दांतों से फिर उसको चबाते हैं या उसका भेदन करते हैं और फिर खाते हैं, उसको प्रसह कहते हैं। तो इनमें कौन कौन से प्राणी आते हैं देखिए, गाय, गधा, खच्चर, ऊंट, घोड़ा, द्विपी यानी चीता, सिंह, भालू, बिलाव, चूहा, भाग, भेड़िया, नेवला, लकड़बग्घा, लोमड़ी, सियार। और कुछ ये प्राणी है, प्रसह में पक्षी भी आते हैं, जैसे शेन यानी बाज पक्षी, चाश यानी नीलकंठ, वांतार्ग यानी कुत्ता, कौवा, चील, भास, कुरर, गिद्ध, उल्लू, कुलिंगक, धूमिक, मधुहा नाम का पक्षी, इन सभी को प्रसह कहते हैं या प्रसह मृग भी इनको कहा जाता है। तो प्रसह मृग पक्षिणा ऐसा शब्द आया है, तो ये मृग और पक्षी दोनों को आया है। तो यहाँ सियार तक जो है वो मृग यानी चार पैर वाले प्राणी पक्षी शुरू हो जाते हैं, लेकिन इसमें बीच में जो वांतार्ग है वह डॉग यानी कुत्ता आ जाता है। तो वो वांतार्थ छोड़ के जो अन्य सभी है वो पक्षी है। ठीक है, आगे जाते हैं महामृग। तो महामृग शब्द से ही आपको पता चलेगा, महाशब्द बिग या ह्यूज इस अर्थ से है, बड़े आकार में होते हैं वो, जिसमें वराह यानी सुअर, भैंसा या फिर उसके बाद में आया है न्यंकु या न्यंग, ऐसा यहाँ पे शब्द है, तो इसका न्यंकु ऐसा प्रोनाउंसिएशन होता है, बारसिंगा का भेद है ये। उसके बाद में रुरु, रोहित, हाथी, सुरमर, तो सुरमर एक डियर ही है एक प्रकार का, चमर, गेंडा या फिर जंगली गाय, गवई, तो ये महामृग कहे हैं। उसके बाद में अपचार वर्ग आता है। तो अपचार जो है वो अपचर यानी अप शब्द जो है वो जल के लिए है, इसीलिए जलचर वर्ग भी आप इसको कहते हैं। एक्वेटिक बर्ड्स मुख्यतः यहाँ पे लिखे गए हैं और उनकी गणना है, हंस, सारस, कादंब, बक या बगुला, कारंडव, प्लव, बलाका, उत्क्रोश, चकवा, ठीक है, फिर मदगु, क्रौंच, ये पक्षी इसमें जलचर वर्ग में आते हैं। उसके बाद में है मत्स्य वर्ग। मैं इनके चित्र आपको दिखा सकता हूँ लेकिन टाइम बहुत निकल जाएगा, किसी अन्य दिन भी इसको हम देखें। मत्स्य वर्ग में विशेषता रोहू, पाठिन, कछुआ या कुर्म, कुंभीर, केकड़ा, सीपी में शुक्ति में आने वाला वो कृमि या कीटक, शंख का कृमि, उद्र यानी जल बिलाव, शंबुक, शफरी, शफरी एक बिल्कुल बारीक आकार की मछली है, वर्मी, चंद्रिका, चुलुकी, नक्र, ये सभी जो है ये विशेषता है। आगे और कुछ आए हैं, जैसे मकर, नक्र यानी घड़ियाल, मकर, शिशुमार, तिमिंगिल यानी तिमिंगिल जो शब्द है वो व्हेल मछली के लिए आया है विशेषता। आप देखिए वहीं से ये सब, शिशुमार जो शब्द है वो डॉल्फिन के लिए है, तिमिंगल जो है वो व्हेल या शार्क मछली के लिए है, राजी जो है वो स्नेक फिश है, चिलचिम जो है वो रेड स्ट्राइप फिश है। तो इस पद्धति के जो है वो मत्स्य वर्ग में ये सभी प्राणी आते हैं।
अभी उसके बाद में ये जो श्लोक आता है कि योनिषु अजावि व्यामिश्र गोचरत्वात् अनिश्चिते, तो इससे ये अर्थ हमें पता चलता है। इसके पहले का श्लोक देखेंगे और फिर आगे जाएंगे। तो यहाँ पे ये मांसम इति आहु अष्टधा, यहाँ से हम अलग देखेंगे। तो ये आठ प्रकार के मांस है, यानी कौन से, जो हमने अभी कंप्लीट किए, मृग वर्ग के प्राणी, विषकीर पक्षी, प्रतूद पक्षी, विलेशय पक्षी या विलेशय प्राणी कहना चाहिए, फिर प्रसह वर्ग, महामृग वर्ग, जलचर पक्षी और फिर मत्स्य वर्ग। तो ये आठ जो है, ये मांसम इति आहु अष्टधा, ये आठ प्रकार के मांस वर्ग है। तो यहाँ पे उनकी गणना की, मृग, वैशारिक, प्रतूद, विलेशय, प्रसह, महामृग, अपचर यानी जलचर और मत्स्य। तो ये आठ वर्ग। अभी इनके बाद में जो योनिषु अजावि, ये शब्द से इस श्लोक में बताते हैं कि बकरी तथा भेड़ की योनि यानी उत्पत्ति स्थान के संबंध में निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि ये दोनों जो है यानी बकरी या भेड़, ये जांगल तथा अनूप देश में विचरण करती है। तो इनको हम अनिश्चित, इस प्रकार का वो जांगल या अनूप दोनों में मिक्स्ड ऐसी हेरिडिटी उनकी है, इसलिए वो ऐसे कहा है। आगे जाते हैं हम, तो विशेषतः शेष प्राणियों का जो निर्णय है वह यहाँ पे ऐसे बताते हैं, आद्यंत्या जांगला अनुपाह मध्यो साधारण स्पृत। तो शेष जो प्राणी है उनके मांस योनि का निश्चय किस प्रकार से करना चाहिए, उसके बारे में वाग भटाचार्य मार्गदर्शन करते हैं कि प्रारंभ के जो तीन वर्ग है यानी मृग, विषकीर और प्रतुद, ये जांगल देश के है। अंतिम तीन जो है यानी महामृग, जलपचर पक्षी और मत्स्य, ये अनूप देश के है। और मध्यम जो है विलेशय और प्रसव, ये जो मध्य में दो वर्ग आए हैं उनको साधारण देश का यानी दोनों लक्षणों वालों का समझना चाहिए। ठीक है, तो ये टेम्परेचर की दृष्टि से आप इसको ले। तो अभी माउस का वर्णन यहाँ पे आता है कि तत्र बद्धमला शीता लघवो जांगला हिता पित्तोत्तरे वात मध्ये सन्निपाते कफानुगे। तो इस पद्धति से वह जो है वो प्राणियों का मांस का वर्णन करते हैं वाग्भटाचार्य जी। तो विशेषतः इन प्राणियों के मांस का इकट्ठा हुआ गुणधर्म बताते हैं कि जांगल देश के प्राणी के मांस जो है वो मल को बांधने वाले होते हैं, बद्धमला, शीत वीर्य वाले और पचन में लघु यानी पचने में बहुत हल्के होते हैं, क्योंकि जांगलम वात भूष्टम, ये हमने अष्टांग हृदय सूत्र स्थान पहले अध्याय में सीखा है और इसीलिए इसको हितकर भी कहा है, जांगलाह हिताह। दूसरी पंक्ति में कहते हैं पित्तोत्तरे वात मध्ये, ये पित्त प्रधान है, मध्यम वात और हीन कफ वाले, इस पद्धति से सन्निपात में भी वह हितकारक होते हैं। यानी हम ऐसा कहें कि ये जो है साधारणतः वात को बढ़ाने वाले भी हो सकते हैं और कफ को कम करने वाले। तो शश मांस के गुणधर्म स्वतंत्रतया आगे बताते हैं, विशेषता रैबिट के गुणधर्म, खरगोश के, दीपनाह कटुका पाके ग्राही रुक्षो हिमा शशाह। तो खरगोश जो है उसका मांस जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाला होता है, कटु विपाकी होता है, ग्राही यानी मल को बांधने वाला, रुक्ष तथा शीत वीर्यात्मक वह होता है। ये हो गया रैबिट के मांस के गुणधर्म। उससे आगे जाएंगे वर्तक इत्यादि जो मांस है उसके गुणधर्म यहाँ पे बताते हैं, ईषद, उष्ण, गुरु, स्निग्धा इत्यादि। तो इनके गुणधर्म उष्ण वीर्य, पाचन में गुरु, स्निग्ध तथा पुष्टिकारक होते हैं। इन सभी में तीतर जो है उसका मांस उत्तम कहा है, क्योंकि उसकी धारणा शक्ति जो है वह बुद्धिवर्धक है, बलवर्धक है, वीरवर्धक है, इसलिए उसको तीतर के मांस को सर्वश्रेष्ठ है। तथा उसके और भी गुणधर्म बताए हैं, जैसे वह ग्राही यानी मल को बांधने वाला, मुखमंडल की कांति को बढ़ाने वाला और वात प्रधान दोष, ऐसा जो सन्निपात है यानी
तीनों ही दो दोषों की दुष्टि है, किंतु वात की दुष्टि, वात प्रधान दुष्टि है उनमें भी, तो ऐसे में तीतर का मांस जो है वो सर्वश्रेष्ठ का है। आगे है वह नाति पथ्या शिखी पथ्या। इस पद्धति से मोर के मांस के गुणधर्म बताते हैं कि जो पिकॉक मीट है वह अधिक पथ्यकारक नहीं है, फिर भी वह कर्णेन्द्रिय, सुरवह स्रोतस, वय और दुष्टि इनको स्थिरता प्रदान करता है। तो विशेषतः आवास से संबंधित जो विकृतियां रहेगी उसमें वो श्रेष्ठ कहा है, और वय स्थापन करने वाला है, इट स्लोज डाउन द एजिंग प्रोसेस, और वह जो दृष्टि है, आई डिसीजेस है, उसमें अच्छे काम में आता है। तो मैंने मेरे आज के अनुभव में, आज तक के अनुभव में, विशेषता हमारे गुरुजी को, एक जिनका आवाज बहुत उस महिला का क्षीण हो गया था और उसको मांस से सिद्ध ऐसा घृत है जिसे आप चरक संहिता में भी आता है, जिसे महामायूर घृत कहते हैं, उसमें मोर का मांस है। लेकिन आज अगर इस बात की चर्चा करेंगे तो पेटा वाले हमारे पीछे भागेंगे, तो उस पे ज्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे, औषध दृष्टि से ही हम गुणधर्मों का वर्णन देख रहे हैं। मैंने ये एक अच्छा केस 2000 पंचकर्म डिपार्टमेंट में उनको शिरोधारा नस्य एवं महामायूर घृत का आभ्यंतर सेवन दिया था और उनको बहुत अच्छे से रिजल्ट भी आए थे। ठीक है, तो उस पेशेंट को ही वहां माउस प्रोक्योर उन्होंने किया था, इसका क्या बोलते हैं उसको, मोर के माउस, वो कहां से लाया था मुझे पता नहीं। अब जाते हैं आगे, इसी पद्धति से उसको तद्वत कुक्कुटो, यानी कुक्कुट, कुक्कुट का मतलब है मुर्गा, तो ये जो कुक्कुट का माउस जो है वह ही मोर के माउस के समान गुण वाला है, और वृष यानी वीर्यवर्धक है, शुक्र धातु का बढ़ाने वाला। उसके बाद में ग्राम्यस्तु श्लेष्मलो गुरु, तो ये ग्राम्य जो पक्षी कहा है वो ग्राम्य और कुछ नहीं तो डोमेस्टिक मुर्गा है, उसके माउस को बताते हैं। वह माउस में जो मुर्गा रहता है, सॉरी पालतू मुर्गा जो है उसका माउस वन में होने वाले मुर्गे के माउस से कफकारक तथा गुरु होता है। स्वाभाविक है, वन के में रहने वाला, जंगल में रहने वाला जो मुर्गा रहेगा उसका भ्रमण और आहार जो है वो भिन्न, भ्रमण अधिक रहेगा, भिन्न भिन्न उसके आहारीय द्रव्य रहेंगे एज कंपेयर टू जो डोमेस्टिक मुर्गा या कॉक है उसके। आगे जाते हैं, मेधो अनलकरा रुद्ध्या क्रकरा सोपचक्रका, तो क्रकर और उपचक्रक मांस के गुणधर्म वहां पे वो बताते हैं। मेधा यानी धारणा शक्ति को बढ़ाने वाला, जाठराग्नि को तेज करने वाला और हृदय के लिए हितकारक। उसके बाद कान कपोत का मांस के गुणधर्म बताते हैं, वह है सलवनाह कान कपोताह सर्वदोषकृत। तो जंगली कबूतर, कान कपोतक यानी जंगली कबूतर, जंगली कबूतर का मांस जो है वो पचन में गुरु, वो थोड़ा सा सॉल्टी टेस्ट में रहता है और त्रिदोष को प्रकोप करने वाला यानी सर्वदोषकृत ऐसे कहा है, तो उसको आप इस्तेमाल ना करें। उसके बाद में चटक यानी जो स्पैरो रहती है, चिड़िया जो आजू बाजू में दिखाई देती है, वह कफकारक गुणधर्म में वह स्निग्ध कफवर्धक है, हमने देखा अभी, वात दोष नाशक वातग्नाहा, और फिर शुक्रलाहा शुक्र को बढ़ाने वाली, और वह परम यानी श्रेष्ठ शुक्रवर्धक कही। ठीक है, तो आगे जाते हैं, मैं ये आपको सिखाते वक्त कतई ही मांसाहार का प्रचार नहीं कर रहा हूं, आवश्यकता अनुसार जो है औषध स्वरूप में इन द्रव्यों का आयुर्वेद में उल्लेख या संदर्भ हमें मिलता है, जहां आवश्यक है वहां उसका इस्तेमाल औषधि जैसा करना उचित रहेगा। ठीक है, आगे जाते हैं, आठ मांस के जो गुणधर्म है, गुरु उष्ण स्निग्ध मधुराह वर्गाश्चातो यथोत्तरम, इस पद्धति से वो इकट्ठा बताते हैं इस सूत्र में, 61वें सूत्र में, उक्त आठ मांस अपने क्रम से उत्तरोत्तर गुरु उष्ण स्निग्ध मधुर होते हैं और उनके गुणधर्म बताए हैं, मूत्रवर्धक शुक्रवर्धक बलवर्धक वातग्न और कफ और पित्त को बढ़ाने वाले, तो इन जनरल ये प्रॉपर्टीज सभी की आ गई। तो परीक्षा में जो है वो किसी एक पक्षी का या किसी मृग का नाम से आप क्या समझते हो ये पूछा जा सकता है,
या उस मांस का गुणधर्म किस पद्धति से है, वात पित्त कफ के ऊपर उसका क्या प्रभाव है, या जैसे श्रेष्ठ द्रव्य कुछ बताया, जैसे चटक जो है वो शुक्रवर्ध श्रेष्ठ शुक्रवर्धक बताया है, तो उसके बारे में पूछा जा सकता है। टेबल वाइवा में भी आपको प्रैक्टिकल में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। जाते हैं आगे, तो महामृगों का मांस जो है उसके बारे में कहते हैं, शीत वीर्य वाला होता है ये महामृग का मांस जो है, और विशेषतः क्रव्याद, यानी क्रव्याद महामृग यानी जो प्राणी दूसरे प्राणी का मांस खाते हैं उनको क्रव्याद कहते हैं, तथा प्रसह यानी जो दूसरे से छीन कर खाते हैं उसको प्रसह कहते हैं। इन महामृग और क्रव्याद और प्रसह इनके मांस जो है वो थोड़े से लवणानुरसाहा यानी कुछ नमकीन उसका स्वाद रहता है, कटु विपाकी रहते हैं और मांस वर्धक रहते हैं। इसीलिए मांसक्षय का जब भी आपके पास रुग्ण आएगा तो प्रसह प्राणी या फिर क्रव्याद प्राणी का आपने मांस प्रयोग बस्ती या औषध स्वरूप में करना चाहिए। ये विशेषता उसके उपयोग बताए हैं, अर्श रोग यानी बवासीर, ग्रहणी रोग यानी जिसे आप इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कह सकते हो समझने के लिए, शोष यानी राजयक्ष्मा, इन व्याधियों में बहुत ही सफल बताया है। ठीक है, आगे है अजामांस, तो बकरे का मांस अजामांस यानी इसके गुणधर्म बताते हैं, नाति शीर शीत गुरु स्निग्धम, तो ये न अति शीत है न अति स्निग्ध है न अति गुरु है, इसको समशीतोष्ण समझना चाहिए। ठीक है, अति गुरु और अति स्निग्ध भी ये नहीं होता है, इसीलिए किसी दोष को या फिर वात को बढ़ाएगा या कफ को बढ़ाएगा ऐसा इसका कार्य नहीं है। तो यह मनुष्य के शरीर की रसादी जो सप्त धातु है उनको समधकने वाला है। शरीर धातु सामान्यात अनभिषंदी यानी अभिषंद भी वो शरीर में नहीं पैदा करता, और ब्रूहनम यानी सर्व शरीर का सर्व शरीर धातुओं का पोषण वह करेगा। इसीलिए ये बकरे का मांस जो है वो आप प्रशस्त यहाँ पे उसकी प्रशस्ति की है ऐसा आप समझ सकते हो। आगे है भेड़ का मांस, तो अवि मांस मीट ऑफ अ शिप, तो वह बताया है विपरीत मतो यानी बकरे के मांस के विपरीत गुणधर्म वाला होता है, ऐसा होते हुए भी उसका एक प्रॉपर्टी अच्छी बताई है। सॉरी, ये शरीर का ब्रहण करने वाला है, पोषण करने वाला है। उसके बाद में ये ग्रंथ के या वाग्भटाचार्य जी का मार्गदर्शन स्वरूप ही ले गोमांस के गुणधर्म बताते हैं, गाय के मांस के सेवन से सूखी खांसी, थकावट, अति अग्नि, विषम ज्वर, पीनस, कृशता या वात रोग, केवल वात रोग वात दोष की जिसमें दुष्टि होती है इसमें यह विनाशक है, लेकिन सुश्रुत जो है उस उन्होंने इस गोमांस के गुणधर्म में एक शब्द और जोड़ा है गुणधर्म में कि गोमांस जो है वह पवित्र होता है, और इस दृष्टि से इसको आपने विचारणीय समझना चाहिए। देखिए, जब तक ये आवश्यकता नहीं होगी अत्यंत, इसका आप कतई ही मैं तो इसको रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि उसका मांस की योजना करने से पहले अन्य उसके जो फायदे हैं वो बहुत ज्यादा है, जैसे गोघृत है, गोदुग्ध है, और वो जीवित अवस्था में ही हमें बहुत सारे गुण प्रदान करती है, विषम ज्वर है या फिर अत्यग्नि है या श्रम है, सूखी खांसी है, इसको इस जैसे आप मेरे विचार पे भी अवश्य आपका मत जो है उस पे बनाए। तो चरकाचार्य उक्त गुणों का ही वर्णन किया है उन्होंने जो अभी वाग्भटाचार्य जी को देखा हमने, तो विशेषतः उन्होंने मृग मांसों में इसे अधिक अपथ्य कहा है, ये भी आप समझ लें, लेकिन यानी अपथ्यकर है वो, खाना नहीं चाहिए, ये चरकाचार्य सूत्र स्थान के 27वें अध्याय में देखते लिखते हैं। अष्टांग संग्रहकार वाग्भट है वह भी सूत्र स्थान के 7वें अध्याय में निंदितो गौहु, इस प्रकार से उन्होंने स्पष्ट अपना अभिप्राय प्रकट किया है कि गोमांस जो है वो निंदनीय है, खाना उसे नहीं खाना चाहिए। ठीक है, इसको मैं किसी धर्म विशिष्ट के साथ ना जोड़े, मैंने ग्रंथकारों के मत आपके सामने रखे और अपना खुद का कुछ मत आपके सामने प्रस्तुत किया। आगे जाते हैं,
उष्णो गरियान महिषाः स्वप्नदार्ढ्य बृहत्पकृत। तो भैंसे का मांस के बारे में यहाँ पे बफेलो मीट के बारे में लिखते हैं, अत्यंत उष्ण अत्यंत गुरु, नींद उससे अच्छी आती है और शरीर को दृढ़ एवं पुष्ट करता है। आगे फिर एक बार कहूंगा, मुझे पता है ये जानकर कि कुछ विशिष्ट वर्ग में ये प्रशस्त नहीं है नाम का उच्चारण भी, लेकिन मैं अध्यापक की भांति ये आपको सिर्फ बता रहा हूँ। वह है तद्वराहा श्रमहा रुचि शुक्र बल प्रदाहा। सुअर का मांस जो है वह भैंसे के समान गुणधर्म वाला होता है, शारीरिक थकावट दूर करने वाला, वीर्यवर्धक, बलप्रद इत्यादि। आगे है मत्स्य का मांस, मत्स्याहा परम कफकराहा, यानी सभी प्रकार की मछलियां जो है वो अत्यंत कफकारक होती है, स्वाभाविक है वो जलचर प्राणी है तो वो कफ को बढ़ाने ही वाली है। उसके बाद में लावा, रोहित, गोधरन, इस पद्धति से जो भी प्राणी आते हैं, पक्षी आते हैं, उनके गुणधर्म बताते हैं। वह अपने अपने वर्ग में इन प्राणियों के मांस जो है वो उत्तम माने गए हैं, यानी विषकीर वर्ग में लाव नामक पक्षी जिसे लावा कहते हैं, मत्स्य वर्ग में रोहित नाम की मछली, विलेशय वर्ग में गोधा यानी गोह उसका मांस, ठीक है, और फिर आगे बताते हैं मृग वर्ग में एन यानी हरिन का मांस। तो इस पद्धति से लावा रोहित गोध एरनाहा स्वेसे वर्गे वराह परम, तो ऐसे वहां पे वो बताते हैं। तो आगे जाते हैं तो भक्ष मांस का वर्णन इन शॉर्ट यहाँ पे करते हैं और कौन सा नहीं करना चाहिए भक्ष मांस वह भी साथ में बताते हैं। तो भक्ष कौन सा है, तत्काल मारे गए या फिर जो आयु में जवान है और अच्छे से स्वच्छ किया हुआ उनका मांस है उनका ही सेवन करना चाहिए। और अभक्ष मांस आगे बताते हैं, त्यजेत मृतम कृशम भ्रूषम मेद्यम व्याधि वारी विषय हतम, यानी स्वयं मरे हुए अत्यंत कृश जो है, जो मृत प्राणी अधिक मेदस्वी है यानी जिसमें फैट ज्यादा है, किसी रोग विशेष के कारण वह मरा हुआ प्राणी है, जल में डूबने के कारण मरा हुआ प्राणी है, ठीक है, यानी व्याधि हत वारी हत विष हत इस ऐसे शब्द आप जाने, इससे विष के कारण जो मरा है ऐसे प्राणियों का बिल्कुल आपने सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आगे अवयव के अनुसार वह कुछ और प्रकाश इस मांस वर्ग के बीच में डालते हैं, पुंस त्रियो हो पूर्व पश्चार्धे गुरुणी गर्भिणी गुरु, इस पद्धति से पुरुषों के शरीर के पूर्वार्ध भाग का और शरीर के स्त्रियों के शरीर के उत्तरार्ध का मांस जो है वह गुरु होता है, यानी लिंग विशेष से वह प्राणी भी जो है वो पक्षी भी जो है वह भिन्न भिन्न लिंगों में पुरुष स्त्री लिंगों में हमें मिलता है, तो उसके अनुसार गुणधर्म वह बताते हैं वाग्भटाचार्य। पुरुषों के यानी जो मेल प्राणी या पक्षी रहेगा उसका पूर्वार्ध आगे का जो शरीर का हिस्सा है वह गुरु रहेगा, और स्त्री पक्षी या प्राणी रहेगा उसका उत्तरार्ध जो है वह गुरु रहेगा, ठीक है। गर्भिणी जो फीमेल प्रेग्नेंट रहेगी प्राणी या पक्षी उसका मांस गुरु रहेगा, और चौपाई पुरुष प्राणी की तुलना में विशेषतः स्त्रियों का मांस जो है वो मेल से ज्यादा गुरु रहेगा। इसके विपरीत पक्षियों में जो फीमेल रहती है उससे पुरुष पक्षी का मांस अधिक गुरु होता है। इस पद्धति से यहाँ तक जो है मांसाद गरियो वृषणम रेड्र वृक्क यकृत गुदम, तो शरीर के अवयव के अनुसार गुरु लाघव की चर्चा भी है यहाँ पे आई है। सिर, कंधा, उरु, पीठ, कमर, टांग, आमाशय, पक्वाशय, इनके मांस जो है वो अंतिम से पहला यानी पूर्व पूर्व और फिर उससे पहला इस क्रम से गुरु होते जाते हैं। यानी आप अगर देखें तो पक्वाशय से गुरु आमाशय, आमाशय से गुरु टांग, टांग से गुरु कमर, कमर से गुरु पीठ, इस पद्धति से वो उत्तरोत्तर जो है वह, और रक्त आदि धातु भी उत्तरोत्तर गुरु होते हैं, ठीक है। रक्त से मांस गुरु होता है, इस पद्धति से मांस भी अधिक गुरु जो है वह वृषण यानी अंडकोश होता है, फिर जननेन्द्रिय मेढ्र, फिर वृक्क, फिर यकृत, फिर गुदभाग, ये जो है वो उत्तरोत्तर गुरु है। तो यहां तक जो है वो हमने मांस वर्ग की जो है वो विस्तार से चर्चा की।
अभी अगले लेक्चर में हम आगे का जो भाग है, विशेषतः शाक वर्ग इत्यादि, इनके बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न जो आपके आए हैं उसको अभी विस्तार से उनको समझने का प्रयास करेंगे और मैं अपनी तरफ से उसको उत्तर देने की कोशिश करूंगा। आशा है आप सभी को यह विषय में रुचि आ रही होगी। अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में अभी भी डाल सकते हो। धन्यवाद।